नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट जॉब, गोल्स, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग को, क्विक एक्शन और रिएक्शन दे देने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। आपके मन, दिलो दिमाग में जो भी ख्यालात आएगा उसको बहुत जल्दी आप एक्शन में लेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट की चाहत भी आपको रहेगी। यानी पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट अपने थॉट को आप करने वाले रहेंगे। किसी के अंडर में रह करके काम आप कंफर्टेबली ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वहीं दूसरों को अंडर में अपने आप दूसरों लोगों को अपने अंडर में रखकर अच्छे से आप काम करवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कारण कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा एरर होता है। मन के अंदर बात को रखना या कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर से अपनी बात को नहीं कह पाना, शर्मिलापन, स्टेज फियर, साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे कोई भी वर्क हुआ, फाइलिंग हुई, तो उसको थोड़ा सा मैनेज जो है प्रॉपरली नहीं होता, उसमें थोड़ा डिले देखने को मिलता है। किसी वर्क में रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इस कारण से थोड़ा नेचर में पंचुअलिटी ज़्यादा लाने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है। तो रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा, हिम्मती स्वभाव रहेगा, लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप डरेंगे नहीं, वहीं हमेशा नई नई चीज़ों के प्रति जागरूक रहेंगे और हमेशा नई नई चीज़ों के प्रति जो है ट्राई भी आप करते रहेंगे। साथ ही साथ रॉयल्टी आप लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक रहेगा, नेम फेम सोसाइटी में अच्छा मिल सकता है, स्टेटस अच्छा रह सकता है, और जो भी एक प्रकार की क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर रहेगी, जिसको अगर आप निखारते हैं तो नेम फेम इस कारण से बेस्ट आपको मिल पाएगा। अदरवाइज आपके जो संबंध हैं उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो अच्छे फ्रेंडली नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है, तो इस कारण से हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने वाले रहेंगे आप, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी डील बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे क्या बात करनी, कैसे क्या अपना काम निकलवाना है, तो ये सारी गतिविधियां जो हैं बहुत अच्छी देखने को मिलती है। थंब शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आप ज़्यादा करेंगे और उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस को बहुत ईजिली और बहुत जल्दी अडॉप्ट आप करेंगे। फिंगर के बीच में एक प्रकार का गैप है, तो खर्चीलापन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण कम रहेगा। और पाम के साइज़ के विषय में आते हैं, तो पाम का साइज़ एक प्रकार से यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, तो इस कारण से बोलने की कला ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी काम थोड़ा सा कम होता है, बोलते ज़्यादा हैं, और यहाँ पर इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने के लिए प्रेरणा आपके अंदर अच्छी आती है। प्लानिंग ज़्यादा नहीं करते हैं और डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है। शुक्र शासित हाथ है, तो लग्जरियस लाइफ की चाहत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी दिखावटी चीज़ों की भी चाहत अच्छी रहेगी, हर प्रकार का सुख सुविधा जीवन में आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे, और शौकीन किस्म का नेचर भी रहेगा, शौक भी आपके जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो जो गुरु जो क्षेत्र है आपका थोड़ा सा कम विकसित है, यानी कम एरिया ले रहा है, तो परिवार के सुखों में थोड़ी सी कमी को व्यक्त करता है, या फैमिली से दूर रहना पड़ता है, या फैमिली से कनेक्शन बॉन्डिंग ये थोड़ा सा कम किसी ना किसी वे में देखने को मिलता है, या बेनिफिट उनसे कम मिल पाता है, तो ये एक प्रकार के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है फैमिली लाइफ को पर्टिकुलर लेकर के। लेकिन माइंड एंड और लाइफ लाइन दोनों से आपकी रेखा गुरु के क्षेत्र तक पहुंची है, तो आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार के एम्बिशियस नेचर आपके अंदर ज़्यादा है, यानी महत्वाकांक्षीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो वो जो लाइफ के आपके एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल 101% होंगे, क्योंकि जब लाइफ लाइन से गुरु पर रेखा जाती है तो जीवन में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस अच्छा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, रॉयल्टी बढ़ती है, सुख सुविधाएं बढ़ती है, और जो इच्छा अरमान आपके हैं वो भी बढ़ने वाले रहेंगे। तो ये बेस्ट साइन है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपकी आड़ी रेखा भी चल रही है, तो एक प्रकार से ये अच्छे अर्निंग को इंडिकेट करता है, दयालुपन को भी यहाँ पर बताता है। शनि के क्षेत्र पर आते हैं, तो शनि पर्वत कुल मिलाकर के ठीक है, मेहनत अच्छी कर पाएंगे आप इस कारण से। भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकली हुई है, तो फैमिली से बेनिफिट आपको अच्छे मिल रहे हैं, और फैमिली के सुखों में भी बढ़ोतरी हुई होगी आपके बर्थ के बाद, और कहीं ना कहीं एक प्रकार का बहुत अच्छा लक फैक्टर आपके फैमिली के द्वारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो भाग्य रेखा है कंटिन्यूस आपके जो है चल रही है और शनि के क्षेत्र तक प्रॉपरली पहुँची है, तो भाग्य आपको बहुत ही अच्छा है, बचपन से ही हर प्रकार की सारी इच्छा मनोकामनाएं आपकी पूरी हुई है। किसी किसी में थोड़ा डिले जरूर हो गया होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भाग्य बहुत अच्छा है, धन भी जीवन में अच्छा रहेगा,
और चंद्र की भी रेखा यहाँ पर जुड़ी है, तो बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का सहयोग भी समय समय पर आपके साथ बनता रहेगा। जब जब आपको नीड होगी, दूसरों का सहयोग भी मिलते रहेगा। इसके अलावा शनि पर रेखा पहुँच रही है, धनवान भी रहेंगे आप, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, बुढ़ापा अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर एक प्रकार से स्क्वायर का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो तकरीबन 35 के एज के बाद खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग भी आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट है। प्रॉपर्टी बन सकता है, लैंड परचेस कर सकते हैं, या किसी न किसी वे में संपत्ति जागृत होने का योग यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आते हैं शनि के क्षेत्र के बाद सूर्य पर, तो सूर्य का क्षेत्र नॉर्मल है लेकिन डेवलप अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छा रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर एक प्रकार से वी सिंबल बना हुआ है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन करियर को लेकर के रहता है, जॉब को लेकर के रहता है, या कोई भी नया काम शुरू करने के पहले आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा कि ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी सिंबल बनता है तो कन्फ्यूजन के साथ ही वर्क स्टार्ट होता है। लेकिन आपके काम में स्टार्टिंग में आपको थोड़ी ट्रबल आ सकती है, लेकिन आगे चल करके ग्रोथ आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की रेखा है जो यश, कीर्ति, सक्सेस को यहाँ पर बताता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ भी कर देता है। कामों में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा आना, रुकावटें आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ ये देखा जाए तो ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य रेखा कंटिन्यू से अच्छी है, तो ज़्यादा कुछ इसका प्रभाव फिर नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ बुध और यहाँ पर सूर्य पर्वत के बीच में जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है, तो ये अच्छे प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ये सारी सुख सुविधाएं भी रहेंगी जीवन में, और ये एक प्रकार से क्रॉस की आकृति भी बन रही है, तो थोड़ा डिफेम आपको हो सकता है, अपने ही लोग थोड़ा सा मिसयूज़ या मिसगाइड आपका आपको जो है कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इसमें खराबी नहीं है, मरकरी माउंट अच्छा डेवलप है, तो मन के अंदर ज़्यादा बातों को नहीं रखेंगे, और एक से अत्यधिक रेखाएं भी हैं, तो कुल मिलाकर के मधुर भाषी भी रहेंगे और अपने बातों से दूसरों को अच्छा प्रभावित भी करने वाले आप रहेंगे। हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा इस प्रकार से निकलते हुए एक रेखा सीधे गई है, एक इसी में से कनेक्टेड रेखा गुरु तक भी गई है, और एक रेखा यहाँ पर मंगल पर भी गई है। सीधे जाने वाली रेखा कार्य के प्रति एकाग्रता को व्यक्त करती है, जो कि नॉर्मल है। गुरु पर जाने वाली ये रेखा थोड़ा इमोशनल आपको ज़्यादा बनाएगी, दिल से आप ज़्यादा सोचेंगे, माफ़ करने की प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, अटैचमेंट दूसरों से जल्दी होगा, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर यहाँ पर आपका शो हो रहा है। और एक जो रेखा है यहाँ पर सीधे मंगल तक पहुँची है, तो एग्रेसिव नेचर भी आपका है, गुस्सा बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और गुस्से के कारण ही ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड तकलीफ आपको हो सकती है। तो गुस्से और हड़बड़ी, जल्दबाजी के कारण नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, तो जितना हो इन सारी चीज़ों से बच करके आपको रहना चाहिए, क्योंकि इस कारण से अगर आपके अकॉर्डिंगली काम भी नहीं होता है, तो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जल्दी आ जाता है। चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं आप, चांदी का चेन या कड़ा भी पहन सकते हैं, तो उस कारण से गुस्से पर कंट्रोल कर पाने में आपको एक प्रकार से सहूलियत मिलने वाली रहेगी। बाकी हृदय रेखा में कोई भी ऐसी तकलीफ या परेशानी नहीं है, एक रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर आई हुई है, और इस कारण से ट्रेंगल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो तकरीबन अभी आने वाले टाइम में ही, यानी 37 से 45 के बीच में ही, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लिए आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करने वाले भी रहेंगे। बाकी हार्ट लाइन में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, तो ज़्यादा बीमारी या कुछ ऐसी हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ होने की भी आशंका नहीं है। मंगल से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये बताती है कि आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रह सकती है, और बिना सोचे समझे आप हाँ भी कर देते हैं बहुत कामों में, बाद में जाकर के थोड़ा सा तकलीफ उसमें आता है, लेकिन ये यही इंडिकेट करता है कि आप योजनाएं बहुत बनाते हैं, और उन योजनाओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस को जो 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 है क्रिएट करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि प्लानिंग ज़्यादा करने के कारण वो सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित रहती है, एक्शन में नहीं हो पाता है, तो यही दिख भी रहा है पाम के साइज से, तो आपको एक्शन पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना रहेगा। अगर आप करेंगे तो वो जो लाइफ के एक्सपेक्टेशन है, वो जो लेट होने वाले हैं, वो अभी ही पूरे हो जाएंगे। तो ये इतना सा डिफरेंस इस कारण से आएगा, लेकिन जो माइंड लाइन है एकदम स्ट्रेट है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, सीधे व स्पष्ट रूप से अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करना पसंद नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव भी किसी के बारे में बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे, और लॉजिकल नेचर भी आपका रहने वाला है। दूसरा, एक प्रकार से स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी के साथ साथ एक प्रकार माइंड जो है आपका शार्प है, तो पुरानी से पुरानी बातों को भी याद रखने में आप सक्षम रहेंगे, बहुत डीपली बातें भी आपको एकदम क्लियर कट याद रहने वाली है, तो माइंड अच्छा है, शार्प है, तो ग्रोथ इस कारण से अच्छा लाइफ में देखने को मिलता है। अभी देखा जाए तो स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं बंधे हुए थे, ज़्यादा इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं नहीं थी, और यहाँ पर एक जो प्रोग्रेस लाइन निकली है वो तकरीबन 18 प्लस एज के बाद में निकली है, फिर और भी यहाँ रेखा निकली है 24 के एज के समथिंग में, उसके बाद से लाइफ लाइन स्मूथ होते हुए देखने को मिल रही है, तो 25 के एज के बाद से
स्टेबिलिटी लाइफ में अच्छी आई है। मंगल की एक दो रेखा यहाँ पर काट करके गई है तो यो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं बताता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी है या एग्रेशन है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। फिर इधर पे देखा जाए तो एक और कट है राहु की तरफ से और एक और कट है, तो ये जो उम्र है तकरीबन 37 और एक 44, इसमें जो है आपको थोड़ा सा ट्रबल रह सकता है, थोड़े लॉसेज आपको बियर हो सकते हैं। अदरवाइज उस टाइम पे भी सही होगी रेखा आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में जो ट्रबल आएगा उसका अफेक्ट आपको ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरों का सहयोग आपको बराबर मात्रा में मिलने वाला है। अननोन पर्सन भी आपका सपोर्ट कर जाएगा या कुछ ना कुछ हेल्प आपकी कर जाएगा, तो उसके कारण जो ट्रबल या दिक्कत परेशानी है उसमें कमी होती है और जो एम्बिशन आपका रहेगा वो फुलफिल होने में भी दूसरे आपकी अच्छी मदद करने वाले रहेंगे। इसके अलावा मंगल का क्षेत्र उभरा हुआ अच्छा है, तो शारीरिक बल और गठन अच्छा रहेगा, फिजिकली फिट हैं, बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो इस कारण से जुनून, हौसला, सहन शक्ति, पराक्रम ये बहुत अच्छी रहती है, पर पेशेंस, धैर्य थोड़ा कम रहता है। किसी से मिलेंगे बहुत जुनून और हौसले के साथ, हर काम को जुनून हौसले के साथ ही करना पसंद करेंगे, तो मेंटली स्ट्रांग है। शुक्र की मैं जो बात कर रहा था, शुक्र पे यहाँ पर जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं तो ये अननेसेसरीज वरीज को बढ़ा देता है, यानी अनावश्यक चिंताएं जो आपको फैमिली लाइफ से रह सकती है और हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी बहुत या रिलेशनशिप से रिलेटेड रह सकती है, तो जितना हो इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं, फोकस अपने वर्क पे, धन पे, अपनी इच्छा मनोकामनाओं पे करते हैं तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी और टेंशन कम रहेगा। सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग मिलता है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहती है। केतु के क्षेत्र पर से ही जो है आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हुई है, तो ये भी एक प्रकार से अचानक धन लाभ, अचानक उन्नति के योगों को व्यक्त करता है, और यहीं से एक रेखा भी ऊपर की ओर जा रही है, फिर ये भी रेखा जा रही है, तो इस कारण से व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। वहीं हेल्थ में भी सुधार होने लगता है, समय पे खान पान करेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र से लाभ अत्यंत अच्छा मिल रहा है, और जहाँ तक देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी आपके हाथ में हो रहा है, तो इस कारण से धन भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, और उसका सदुपयोग भी आप अच्छे से कर पाएंगे। यहीं से और भी रेखाएं निकल रही हैं, और एक प्रकार से क्रॉस की भी आकृति है, तो थोड़ा ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इस कारण से थोड़ा मन ज़्यादा विचलित होना, डर, भय, चिंता या बेचैनी होने लगती है। बाकी देखा जाए तो चंद्र का क्षेत्र अच्छा उभरा हुआ है, तो ये अच्छी काल्पनिकता, क्रिएटिविटी और अच्छा एक प्रकार से लेखन, साफ सुथरा माहौल में रहना, साफ सुथरी सोच विचार, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, तो इस कारण भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और राहु के क्षेत्र से एक रेखा इस प्रकार से गई हुई है, तो लाइफ में तकरीबन 26 से लेकर के 29 के बीच में थोड़ा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहा होगा, बाकी ओवरऑल कुल मिलाकर के जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछे, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।